हेलो माय लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लैक्मे 9 to 5 के नेचुरल रेंज से एलोवेरा जेल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, दिस इज द आउटर पैकेजिंग ऑफ लैक्मे 9 to 5 नेचुरल एलो एक्वा जेल। एंड इसकी प्राइस है ₹200 फॉर 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ₹350 फॉर 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ये है 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट जो कि ₹200 में मैंने लिया था। सो गाइस, एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सबको पता है आज के डेट में कि एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। मैं खुद लास्ट 6-7 साल से, इनफैक्ट जब से मुझे पता है कि एलोवेरा जेल है मार्केट में, पतंजलि का मैं यूज़ करती थी इनफैक्ट काफ़ी टाइम से, तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है एलोवेरा जेल। मैं उसे नाइट क्रीम के भी तरह यूज़ करती हूँ, बट उसके अलावा मैंने फर्स्ट टाइम पतंजलि के अलावा, मैंने फर्स्ट टाइम कोई और ब्रांड परचेज किया है एलोवेरा जेल का। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे, एंड क्योंकि लैक्मे एक ट्रस्टेड ब्रांड है तो मैंने सोचा कि एक बार किसी और ब्रांड का भी ट्राई करके देखते हैं। एंड लास्ट कुछ टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो नाउ आई एम गोइंग टू गिव माई 100% ऑनेस्ट रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट। सो गाइस, ये एलोवेरा जेल बिल्कुल 100% प्योर एलोवेरा जेल है एंड बिल्कुल क्लियर वाटर जेल काइंड ऑफ फिनिश है इसकी, कोई भी कलर नहीं है इसमें। तो अब मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ। ये एक कार्डबोर्ड है और इसके अंदर ये था, एंड जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको ये डब्बा मिलेगा। पैकेजिंग वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा, काफ़ी सेमी ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग है इसकी। रोज गोल्ड कैप है एंड बहुत ही लाइट वेट है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो इसे पास से। बट एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ हम डेली यूज़ करते हैं अगर वो जार फॉर्म में रहता है तो मुझे वो काफ़ी अनहाइजीनिक लगता है, क्योंकि आप बार बार अपने फिंगर्स की हद से इसे निकालते हो। तो अगर ये क्यूब फॉर्म में होता है तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगता है, ऐसा हाइजीनिक लगता है। सो पैकेजिंग के लिए बस एक चीज़ प्रॉब्लम है कि ये इस तरह के टब फॉर्म में आता है। सो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो गाइज, यू कैन सी कि काफ़ी क्लियर जेल है ये, बिल्कुल भी इसमें कलर नहीं है। एंड इसमें मैंशन है कि ये 100% एलोवेरा जेल है एंड इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कलर एडेड नहीं है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें एडेड नहीं है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। जहाँ तक स्मेल की बात करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका स्मेल, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही स्वीट है। मुझे मन करा मैं इसे बस स्मेल करती जाऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गाइज, इस एलोवेरा जेल को आप काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हो, लेट मी टेल यू। सबसे पहले तो आप इसे एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो मेकअप से पहले। यस, बहुत लोगों को नहीं पता है बट प्राइमर अगर आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। एंड दिस लैक्मे का जो नेचुरल रेंज से जो एलोवेरा जेल है ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, तो आप इसे आराम से एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हो। बहुत टाइम तक आपके मेकअप को होल्ड करके रखेगा। एंड एज अ प्राइमर मैं इसे एक बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है एंड बहुत ही लाइट वेट है। सेकेंड तरीके में आप इसे यूज़ कर सकते हो जब आप थ्रेडिंग करवा के आते हो। जब भी आप थ्रेडिंग या अपर लिप्स कराते हो तो आपकी स्किन में थोड़े से रैशेज हो सकते हैं या रेडनेस आ सकती है, या फिर वैसे भी अगर आप थ्रेडिंग कराते हो तो क्योंकि हमारे फेस की स्किन काफ़ी ज़्यादा पतली होती है तो वैसे भी थोड़ा डैमेज हो जाता है उससे। तो मैं हमेशा जब भी मैं थ्रेडिंग करा के आती हूँ आई मेक श्योर कि मैं एलोवेरा जेल ज़रूर लगाऊँ। एंड बिल्कुल आपके जो बम्स छोटे बहुत अगर निकले हैं तो वो भी ये बिल्कुल सूदन आउट कर देता है एंड काफ़ी अच्छा रहता है आपका स्किन इसके बाद। नेक्स्ट, आप इसे अपने फेस पैक में भी यूज कर सकते हो। कोई भी अगर आप फेस पैक बना रहे हो, थोड़ा सा बस इसमें हाफ स्पून आप इसे लेके उसमें ऐड कर सकते हो एंड बहुत ज्यादा मैजिकल रहेगा उसका रिजल्ट आपके फेस में, क्योंकि वैसे भी एलोवेरा जेल आपके फेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, अगर आप रोजाना अगर आप एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगाते हो तो आपकी जो अर्ली एजिंग की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाती है। एंड मैं अपने ऊपर ये चीज़ देख रही हूँ क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से एलोवेरा जेल हर दिन लगाती हूँ, तो मुझे तो एक्चुअली इसका बेनिफिट दिखता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट, आप इसे एज अ नाइट क्रीम भी लगा सकते हो। मैंने अपने डेली स्किन केयर रूटीन में भी ये दिखाया था कि मैं एलोवेरा जेल को ही एज अ नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, भले ही कितने भी नाइट क्रीम्स आ जाए मार्केट में, बट एलोवेरा जेल जो लाइटनेस
फील होती है ना उसे लगाने के बाद, एंड जो कूलिंग सा लगता है सेंसेशन, वो कोई भी नाइट क्रीम मुझे और नहीं देती है। एंड और एक बात है कि मन में तसल्ली भी रहती है कि मैं कोई नेचुरल चीज लगा रही हूँ फेस पे, तो इसलिए एज अ नाइट क्रीम भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड और एक तरह से आप इसे यूज कर सकते हो कि अगर आपके डार्क स्पॉट्स है फेस में या फिर डार्क सर्कल है आपके, तो डेली आप इसे अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका डार्क सर्कल कम हो जाएगा, आपके जो स्पॉट्स वगैरह है वो कम हो जाएंगे। आपके एक्ने पिंपल्स अगर है आप उसके ऊपर भी इसे लगा सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो आप उसे लगा सकते हो। आपका डेफिनेटली डार्क स्पॉट्स कम होगा एंड आपके डार्क सर्कल कम होंगे। एंड और एक बहुत अच्छी बात है इस एलोवेरा जेल की कि ये कोई भी स्किन टाइप वाले हो आप यूज कर सकते हो। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग लगेगी, कूलिंग लगेगा आपको एंड बहुत ज्यादा यू नो सपल लगेगा आपका स्किन। एट द सेम टाइम अगर आप ऑयली स्किन वाले भी हो तो आपके फेस में ऑयल नहीं सिक्रीट होगा इसे लगाने के बाद, एंड बहुत ही यू नो सटल सा ग्लो देगा आपके फेस में, अच्छा लगता है इसे लगाने के बाद। तो गाइस अगर आपको फ्लॉलेस स्किन चाहिए तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप एवरीडे बेसिस पे एलोवेरा जेल जरूर लगाया करें। बात करें इस लैक्मे 9 to 5 एलोवेरा जेल की, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं आपको इसे अभी अपनी स्किन पे लगा के दिखाती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर जेल है एंड बिल्कुल वाटर टाइप का लग रहा है ये, बिल्कुल कोई भी कलर इसमें नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो। एंड बहुत ही आसानी से ब्लेंड होता है आपके स्किन में, मुझे बिल्कुल कूलिंग सा सेंसेशन लग रहा है जैसे ही मैंने इसे लगाया वैसे ही। एंड गाइस आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है इसमें। एंड लगाते के साथ ही ना आपको एक अलग सा रिफ्रेशिंग फील होगा, क्योंकि खास करके इस जो अभी जो वेदर है बिल्कुल हॉट समर वाला, इसमें अगर आप इसे लगाते हो तो अगर आपके फेस में कोई भी बर्निंग सेंसेशन लग रहा है या फिर आप धूप से आ रहे हो बहुत ज्यादा गर्म गर्म सा फील हो रहा है, आप इसे अपने फेस पे लगाओ, इतना ज्यादा सूदिंग, इतना ज्यादा काम फील होगा ना आपको, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल मैट लुक है इसका, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इनफैक्ट एलोवेरा जेल की बात यही होती है कि आपके फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ही क्विकली। एंड पतंजलि का भी एलोवेरा जेल मैंने लगाया था, वो भी बहुत अच्छा है, बट ये वाला जो एलोवेरा जेल है ना, इसकी क्वालिटी उससे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। इस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है गाइस, मैंने बहुत सारे एलोवेरा जेल यूज किए हैं बट दिस एलोवेरा जेल इज समथिंग एल्स। इसका जो फील है इसका इसका हर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। बस एक चीज मुझे जो प्रॉब्लम ये लगी इसके साथ कि कॉस्टली है बहुत ज्यादा, क्योंकि 200 रुपए में आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है एलोवेरा जेल का। एंड अगेन इसका भी जो पैकेजिंग है आप देख सकते हो, इतने दूर में ही बस प्रोडक्ट है, तो इतने से प्रोडक्ट का 200 रुपए यार बहुत ज्यादा है फॉर एलोवेरा जेल। बहुत लोग तो नेचुरल एलोवेरा जेल जो जो प्लांट वाला एलोवेरा होता है वो भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करती थी, बट मुझे प्लांट वाला थोड़ा सा यू नो उसमें कुछ येलो येलो सा निकलता है जो मेरे फेस में सूट नहीं करता वो, बट नॉर्मल मार्केट वाला एलोवेरा जेल मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बट इसका अगर प्राइस थोड़ा कम होता ना तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। आपको अगर डिस्काउंट पे मिलता है तो एक बार आप इसे जरूर परचेज करके देखना, आपको डेफिनेटली आपको कंप्लेन नहीं मिलेगा इससे। सो दिस वॉज माई रिव्यू ऑन लैक्मे 9 to 5 नेचुरल एलोवेरा जेल। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अपने क्वेश्चन एंड अपने सजेशन भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उनका रिप्लाई जरूर। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करूं आपके लिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जरूर उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलती हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।